हेलो फ्रेंड्स, देखो ये एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो कि AIEEE 2007 में आया था। तो क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, इंटीग्रल 1/cos x + √3 sin x dx = 2। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो dx/cos x + √3 sin x ये दिया है क्वेश्चन में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। इंटीग्रेशन dx अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos x + √3 sin x, सही है। अब जो ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 था इसको ऐसे ही रहने देंगे और जो डिवाइड वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे देखो, अब हो जाएगा ये dx/2, इसको जो अंदर लिखा हुआ है इसको एक फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला इसको ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की (cos x + √3/2) किसकी होती है, cos π/6 की (sin x), सही है। तो इसको ये इस प्रकार से लिख लिया। नाउ dx/2 ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये sin a + b का फॉर्मूला होता है, sin a cos b + cos a sin b, तो यहाँ पर हो गया ये sin x + π/6 का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1/2 और 1/sin x क्या होता है, cosec x + π/6 (integration dx). अब cosec x का इंटीग्रेशन करना है, तो जो cosec x का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि (integration of cosec x dx = जो log और tan की टर्म में होता है cosec x का इंटीग्रेशन, वो होता है log of tan xy2 + c, इसको ध्यान रखिएगा जरा, ये होता है। तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, देखो 1/2 cosec x, x की जगह क्या है π x + π/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log tan x, x की जगह क्या है x + π/6, अपॉन में 2 है तो ये क्या हो जाएगा देखो x/2 + π/12 + c, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1/2 log tan x/2 + π/12 + c, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके ठीक है, जय हिंद।